Hi everyone and welcome back to my channel Style in a Budget. आज मैं ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ फ्रॉम हर मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई होप यू गाइज विल लाइक दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम स्टार्टिंग विद स्किन केयर. सबसे पहले मैं एक हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई कर रही हूँ. नाउ आई एम अप्लाइंग सीरम. अप्लाई करने से पहले सीरम को लेकर फिंगर्स के बीच रब कर रही हूँ जस्ट टू एक्टिवेट द इंग्रेडिएंट्स. अब पूरे फेस पे टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ जब तक ये फेस में एब्जॉर्ब हो जाए. मैं स्किन केयर एक्सपर्ट नहीं हूँ. इनफैक्ट मैंने भी शायद ये इंस्टा पे देखा था. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइजर. आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. मैं स्किन केयर कर रही हूँ बिकॉज एक अच्छे मेकअप बेस के लिए सही स्किन केयर ज़रूरी है. अब मैं एक अंडर आई क्रीम अप्लाई कर रही हूँ. नाउ आई एम अप्लाइंग अ लिप बाम. डन विद माई स्किन केयर. अब मेकअप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद द प्राइमर. मैं स्टे क्वर्की स्मूथ कैनवस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं ये अप्लाई करके कुछ देर ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले 5-6 मिनट प्राइमर को सेट होने देना चाहिए. और ये मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स के इंस्टा पेज में देखा था. अब मैं माई ग्लैम टोटल मेकओवर FF क्रीम पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. इट्स अ मल्टी यूज़ पैलेट जिसमें कि आपको करेक्टर कंसीलर एंड फाउंडेशन मिल जाता है. इट हैज़ क्रीम टू पाउडर फार्मूला एंड स्किन पर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. अगर आपको इस पर रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं. अब मैं इस करेक्टर शेड को अंडर आई एंड आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ. अब सारे एक्ने मार्क्स को हाइड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑल्सो अराउंड द लिप्स. लिप्स के आसपास का एरिया ड्राइनेस की वजह से डार्क हो जाता है. नाउ आई एम लाइक ऑरेंज ऑरेंज एवरीवेयर. नॉट एन ऑरेंज ट्वीट. मजाक कर रही हूँ. अब जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं. अब मैं ये सीरम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम माई ग्लैम. अब एक ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट फुल कवरेज एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर की तरह प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है. पर हाँ इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी ताकि कहीं भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाए और एक फ्लॉलेस बेस मिले. अब मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ नॉट वेट. सो ध्यान रखें गीला नहीं होना चाहिए बस ज़रा सा नम. अगर गीला हो तो यूज़ करने से पहले उसे निचोड़ लें. अब मैं उसी ब्रश से ईयर्स पे अप्लाई कर रही हूँ. मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है. जो भी एक्स्ट्रा ब्रश पे बचा हुआ होगा वो लग जाएगा. हम अक्सर मेकअप के वक्त ईयर्स को भूल जाते हैं. अब मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ. जहाँ भी कलर करेक्शन किया था उन सारे एरियाज पे मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ. एंड ये 1450 रुपीज़ की पैलेट फ़िलहाल आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में ही मिल जाएगी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब मैं बेस को सेट करने के लिए माई ग्लैम पोज HD सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अब मैं ये माई ग्लैम पॉप्सो फेस एंड आई किट यूज़ करने वाली हूँ इन द शेड हॉट डैम. इसमें आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर ब्लश हाइलाइटर एंड दो आई शेडोज मिलते हैं. अगर आप मेकअप में ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं जिसमें कि 99 में आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. नेक्स्ट है ये पैलेट. इसमें भी आपको पाउडर ब्लश हाइलाइटर एंड आई शेडोज मिल रहे हैं. दीज आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहते हैं. अब मैं इस पैलेट से ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ. ये पिगमेंटेड है. मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया बट इट गिव्स कलर. अब इसी पैलेट से ये ब्राउन आई शेडो लेके मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करने वाली हूँ. अब मैं सेम आई शेडो आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ.
अब ये ग्लिटर शेड लेके आईलिड्स के बीच में अप्लाई कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग आईलाइनर। ये माइकलम लिट व्हीली आईलाइनर है। Now it's time for kajal. अब एक ब्रश की हेल्प से इसे स्मज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आफ्टर स्मजिंग देयर्स डिफरेंस इन बोथ द आईज। अब दूसरे आंख में भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब एक ब्राउन आई शेडो लेकर लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। अगेन काजल अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू इंटेंसिफाई इट्स कलर ऑन वाटर लाइन। अब काजल को एक ब्रश में लेकर आईलाइनर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट स्मजी इफेक्ट। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्करा। पर्सनली मुझे कलाबा लैश इल्यूजन डुओ मस्करा पसंद है, बट फिलहाल वो है नहीं, सो आई एम यूजिंग मेबलिन्स कोलोजल मस्करा। And now you can see the difference that a mascara can create. अब दूसरा आई पे भी कर लेती हूँ। अब सेम फेस पैलेट से मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ऑन ऑल द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस, ब्रो बोन, क्यूपिड्स बो, चिन, एंड यू कैन सी द शाइन। अप्लाइंग ऑन माई चिक बोन्स, फोरहेड, टिप ऑफ माई नोज एंड ऑन ब्रिज ऑफ माई नोज। एंड अब एक टाइनी ब्रश की हेल्प से इनर आई कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। अब लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, इट्स फ्रॉम माई ग्लैम्स मनीष मल्होत्रा कलेक्शन इन द शेड शुगर रश। ये काफी अच्छा न्यूड शेड है। अब मैं मेकअप को फिक्स करूंगी विद द ड्यूवी सेटिंग स्प्रे बिकॉज वी वॉन्ट अ ड्यूवी लुक। यू कैन सी दैट ग्लोई फेस कंप्लीटिंग दिस मेकअप लुक विद अ बिंदी, बट इट्स इनकम्प्लीट विदाउट द झुमकर्स। और अब झुमका गिराने के लिए तैयार हूँ। एंड नोज पिन को कैसे भूल सकते हैं। And now the look is complete. And do let me know, आपको ये रानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो, then do like, comment and share this video.